सब्सक्राइब करना ना भूले अनएक्सप्लोर्ड इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि 5,500 साल पहले महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। 18 अध्याय और 700 श्लोक वाली गीता को हर किसी व्यक्ति ने देखा, पढ़ा और सुना है। आज मैं आपको एक ऐसी भगवत गीता को दिखाने सुनाने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने सुनने में आपको अलग ही प्रकार का आनंद आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल गीता की, एक ऐसी गीता जो एक छोटे से डिवाइस से आपको मनचाही भाषा, मनचाहे संगीत के साथ सुनने का आनंद देगी। बस आप मनचाहे श्लोक पर डिवाइस को टच करें और गीता के श्लोक, भावार्थ और संगीत का आनंद लें। आइए देखते हैं उदयपुर के गणपत सिंह शक्तावत के साथ आज के युग की ये अनोखी डिजिटल गीता। आपने हिंदी पे टच किया, हिंदी चल रहा है। स्वयं आप द्रोणाचार्य, लेकिन ये कार्ड है सर, इस कार्ड में जितनी भी लैंग्वेज जैसे फ्रेंच हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, जैसे आपको गुजराती में इसको समझना चाहता है, समझना चाहता है, इस कार्ड पर आप गुजराती पे टच करो, ये गुजराती। अब आप ये हिंदी में जो श्लोक है ना, इसको आप टच करोगे, ये गुजराती में कन्वर्ट हो जाएगा। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अजेय, कृपाचार्य, अश्वत्थाम, विकर्ण, हरिसोम, दत्तान, पुत्र, भूरिश्रम, इसी तरह या विविध शास्त्रों अने विविध युद्ध कड़ामा कुशल एवा घना अन्य आगेवानो लड़ी रहा हता जे मारा माटे एमना जीवन नु बलिदान आपवा तैयार छे। कोई स्पेनिश में सुनना चाहता है आप इस पे टच कर दीजिए। स्पेनिश, अब ये स्पेनिश में बोले। Estás tú y también Bhishma, Karna, Kripa, el victorioso Ashwatthama, Vikarna, Iburisvara, el hijo de Somadatta। अंदर भी कोई भी चीज जैसे ये बना हुआ, अब ये युद्ध में जाते हुए घोड़े की आवाज आपको उसमें से सुनाई दे। इसके अलावा सर इसमें एक चीज़ हो रहा है, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए भी इसमें इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है कि जैसे ये आप देखेंगे तो ब्रेन लिपि, इसमें हाथ लगाएं आप, ये ब्रेन लिपि, अपन नहीं समझ रहे इसको, लेकिन जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो जैसे हाथ लगाएगा वो समझ आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको गीता जी का कौन सा श्लोक सुनना है, तो वो जैसे ही यहाँ पे टच करेगा। चैप्टर 3 कर्मयोग अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का संताप। हिंदी में कर देते हैं। हिंदी। अब यहाँ पे आप टच करोगे तो ये इसका जो थर्ड तीसरा अध्याय है पूरा चलेगा संस्कृत में। दोबारा टच करेंगे हिंदी में। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप यह मानते हैं कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? किस तरीके से ये बुक काम करती है? और इसमें एक सिस्टम हो सर, दुविधापूर्ण इसमें एक सिस्टम ये है कि भाई बार बार इस डिवाइस को लेके कब बैठे रहे अपन एक एक चीज को सुनने के लिए, इतना टाइम तो अपने पास है नहीं। तो इसमें क्या है सर कि स्टार्टिंग में हर चैप्टर मतलब हर प्रत्येक अध्याय के स्टार्टिंग में ये इस प्रकार से आपको ये आपको मिलेंगे, ठीक है सर। तो आप जैसे ही यहाँ पर आप इस संघ पे कर देंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव टच करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, इस पर टच करेंगे तो दूसरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी संस्कृत में। इसके अलावा सर एक ये कमल बना हुआ ना, ये मेडिटेशन है या श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में, इस पर अपन टच करेंगे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं।
let's sit comfortably and easily. And let's close our eyes. और ये आरती वगैरह जैसे आरती लिखी हुई, आरती पे टच करेंगे अपन तो ये आरती बजेगी। जय गणेश देवा, गीता जी की आरती है। जय जय भगवती, ये कृष्ण भगवान की है। ओम जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसके अलावा सर इस बुक के साथ में दो कार्ड हैं। ये तो ये कार्ड ऐसा है सर कि आप जैसे कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, अब जैसे बुक तो अपने घर में रहती है सर, अब इसको नहीं ले जा सक रहे तो इसका ये दूसरा चीज़ है जिसमें सारे 18 अध्याय हैं, ये सारे ऊपर बने हुए हैं, तो आप जिससे भी आप टच करेंगे जैसे मेडिसिन का हो गया या आपको इस पर टच करेंगे ये बुक का काम ने कहा। इसके अलावा इसके पीछे 108 कृष्ण के भजन हैं, अलग अलग लय, अलग अलग सुर, अलग अलग गायक कलाकार में, जहाँ कहीं भी आप टच करेंगे जो भी आपको सुनना है वहाँ का वो भजन। जिस दिन मन करें आप सुन सकते हैं। उसके अलावा सर एक कार्ड और है, इस कार्ड में क्या है सर कि लाइफ लेसन है ये। इस कार्ड का मतलब ये है कि इस किताब के अंदर जैसे लिखा हुआ भरोसा, भरोसा करने के लिए गीता जी के कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है वो इसमें दे रखा है, जैसे कि शांति, वो सारे इसमें की के रूप में बना रखा है। जैसे शांति के लिए चैप्टर नंबर 20 का श्लोक नंबर 14, 16, 47 और 65, अब आपको गीता खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 65 पर टच करेंगे आप तो ये चालू हो जाएगा। चैप्टर 2 श्लोक 14, 16, 47, 65। इस तरीके से काम करता है। श्रीमद् भगवद गीता, टॉकिंग भगवद गीता, टॉपिक पीस शांति, परिचय इंट्रोडक्शन। शांति इस दुनिया में हर किसी की सबसे बड़ी मांग है, साथ ही मन की स्थिर अवस्था को शांति कहते हैं। मन के अंदर जब विचारों की उथल पुथल होती है तो व्यक्ति अशांति का अनुभव करते हुए परेशान हो जाता है। मेरा नाम गणपत सिंह सत्तावत है सर, और मैं उदयपुर के रहने वाला हूँ, और महाराणा प्रताप स्मारक समिति में सर मेरा जॉब है। मेरा जॉब के अलावा जो समय मेरे पास बचता है तो मैं ये दो कुछ धर्म ग्रंथ हैं जो अपने हिंदुओं के सबसे बड़े पवित्र ग्रंथ, जिसमें एक है श्रीमद् भगवद गीता, ये बुक है इसका, और दूसरा ये हनुमान जी का, इन दोनों बुक्स का मैं प्रचार प्रसार करते हैं सर। और हमारा ये उद्देश्य है, हमारी जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी के द्वारा इन बुक्स को बनाया गया है, और इस बुक्स को बनाने से पहले हिंदुस्तान की 16 ऐसी संस्थाएं हैं जो धर्म ग्रंथ छापती है, उनसे इनको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इनको पास कराया गया, उसके बाद छाप के इसको मार्केट में उतारा गया। तो ये क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है तो इनमें कोई त्रुटि रह जाए तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो बिल्कुल अशुद्धता इसमें कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल प्योर तरीके से डिजिटल टेक्निक से इसको बनाया गया। आज आपके घर में कोई बुजुर्ग माता पिता हो या कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या कोई अंधे लोग हैं, तो अब आपको उनको गीता का ज्ञान देना है तो आप क्या करेंगे, आप या तो किसी को बुला के उसको किताब को पढ़वाएंगे या उसको सुनवाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी बुक है कि इस डिवाइस के द्वारा आप कुछ नहीं करना, जिसको भी जो भी श्लोक या जो भी भगवद गीता का पाठ करना है उस पर टच करके आप इसको रख दीजिए, ये बुक जो है पूरा आपका चलता रहेगा, उसको आप सुन सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी संस्था का उद्देश्य है घर घर तक इस गीता को पहुँचाने का बीड़ा लिया है हमने सर, और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हर घर के अंदर गीता होनी चाहिए,
गीता सर एक ऐसा ग्रंथ है जो एक किताब ही नहीं है, ये कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया एक ऐसा उपदेश है, ऐसा मतलब ज्ञान है जो वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया है, यानी चारों वेदों को तो ऋषि मुनियों ने लिखा है, लेकिन ये ग्रंथ जो है गीता ये भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। तो इसके अंदर जो भी श्लोक हैं, जितने भी अध्याय हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और उनका बहुत ही मंत्रोच्चारण करें आप तो घर के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी होती है। और एक बात और बताना चाहूँगा सर कि अभी अपन में बहुत कमजोरी है कि अपन इन श्लोक को अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इस बुक को, भगवद्गीता को, लेकिन विदेशों में ये अभी काफ़ी इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, और अपने उदयपुर के अंदर भी इस्कॉन वाले जो बाहर से आके लोग इस गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट सर मार्केट में आपको ये किसी पुस्तक भंडार पे आपको अवेलेबल नहीं होगी, ये हमारी संस्था के ऑनलाइन हमारी एक वेबसाइट है www.sepsofindia.com के नाम से, वहाँ से आप ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं। अभी इसकी कॉस्ट 14,500 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये 11,190 रुपये की आपको पड़ेगी, और जैसे ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ये आपको 3 दिन के अंदर आपके होम एड्रेस पर पहुँच जाएगी सर। और इसका एड्रेस भी मैं आपको बोली दे दूँगा, इसकी वेबसाइट है www.sepsofindia.com, जो इसका न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है सर। ये इसका डिवाइस है सर, ये बुक जो है इस डिवाइस से काम करती है, बुक पढ़े लिखे लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हो, जैसे आप देखेंगे आप इसमें, तो इसमें 3 भाषाओं में तो आप पढ़ सकते हो, जैसे सबसे पहले संस्कृत में श्लोक है, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद है, फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद है, पढ़ने वाले तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है या जो ब्लाइंड है या जो वृद्ध है उनको आप इसके द्वारा सिखा सकते हैं। इस डिवाइस में 3 चीज़ें सर, एक इसकी बैटरी है, एक स्पीकर है और एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर से इसको आप टच करके करेंगे तो ये किताब आपको बोल के बताएगी। और इस डिवाइस की जो रेट है वो 2145 रुपये की है जी, इसी में शामिल है, क्योंकि ये बुक का कुछ नहीं बिगड़ता, 100 साल तक अगर आप रखेंगे बुक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है इस डिवाइस आपके हाथ से छूट जाए या कोई बच्चा गिरा दे तो ये टूट जाए फूट जाए, तो 1 साल की हमारी संस्था इसकी वारंटी देती है, लेकिन उसके बाद भी ख़राब हो जाए तो आप इसको अलग से मंगा सकते हैं, 2145 में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा सर। और ऑनलाइन मिलती है सर, किसी बुक दुकान पर आपको नहीं मिलेगी ये, और उसका मैं आपको एक कार्ड भी दे दूँगा जिस पर आप मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा धर्म ग्रंथ है सर हमारे पास में, वो है श्रीमान हनुमान जी का संपूर्ण हनुमान, ये भी उसी तरह डिजिटल बुक है, ये 7 भाषाओं में है, और इसमें मैं आपको बता दूं चैप्टर भगवान राम का पूरा जीवन चरित्र है इसमें, ये देखिए आप, ये बुक भगवान राम जी का जीवन चरित्र है, हनुमान जी का पूरा जीवन चरित्र है, उसके अलावा राम रक्षा स्त्रोत है इसमें, और हनुमान चालीसा है, उसके अलावा इसमें वाल्मीकि जी की, और ये सुंदरकांड है वाल्मीकि जी का और गोस्वामी जी का, इसके अलावा बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक है, हनुमान जी की गाथा है, उसके अलावा भजन आरती और हनुमान जी के 1001 नाम भी इसमें है, ये भी उसी तरीके से डिजिटल है जो बिल्कुल काम करती है। इसमें थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता दूँ, जैसे हनुमान चालीसा है, अब ये जितने भी चक्र बने हुए हैं 6-7 चक्र, इसके अंदर अलग अलग तरीके से हनुमान चालीसा बजती है, जैसे यहाँ पर टच किया बंद हो गया क्या जी, तो ये अलग अलग चक्र में अलग अलग लय में ये हनुमान चालीसा चलती है, और ये भी 7 भाषाओं में है, इसका एक कार्ड है जिस पे भी आप टच करेंगे, हिंदी मराठी गुजराती तेलुगु तेल और गुजराती में, आप जिस पे भी सुनना चाहें उस पर टच करें और फिर इस पर टच करें ये बोल के बताती है। इसके अंदर सुंदरकांड वगैरह, हनुमान जी के जीवन चरित्र, सारी चीज़ें आप फ्री में देख सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो ये भी एक बहुत अच्छा धर्म ग्रंथ है जो आप किसी को देना चाहें जिसको, तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर में भी रखते हैं तो भी एक पॉजिटिविटी माहौल बनता है, और बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो कि रिटायर्ड पर्सन होते हैं या घर पे रहते हैं बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी काम आती है। और आजकल की जनरेशन, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा सर, आजकल की जनरेशन जिनको अपन कहीं ना कहीं संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, तो अगर ये बुक अगर घर में होती है किसी के तो वो आराम से इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। और दूसरा सर, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो बुक रिलीज़ होती है, ये जो बुक मार्केट में आती है हमारी संस्था से, ये 1,00,000 बुक का पहले होता है मंत्रोच्चारण होता है, उसके बाद में ये पैकिंग होती है फिर जाती है। घर में रखने से इसमें पॉजिटिविटी आती है सर, और ऑथेंटिसिटी ऐसी है कि इसमें आप किसी प्रकार की कोई मिस्टेक इसमें नहीं है सर। इसकी कॉस्ट अभी 10,600 की है सर, रेट तो इसकी ज़्यादा है 12,000 की है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 10,690 की पड़ रही है सर,
और इसका जो मिलने का जो स्थान है वो इंडिया में एक ही जगह है, उसकी वेबसाइट है ऑनलाइन www.sapsofindia.com न्यू दिल्ली के अंदर जनकपुर में इसका ऑफिस है और वहाँ से ये चीज़ें मिलेगी आपको। थैंक यू।